वक्त हमारे साथ आलोक वत्स साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ ऋषि मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर पीयूष जोशी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज मिश्रा जी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ अब थोड़ी देर में। लेकिन मैं कुल मिला के आपसे ही शुरू करता हूं ऋषि मिश्रा जी, ये क्या इसपे मतलब समझा कैसे जाए इसको, देश की इतने बड़े मतलब टोक्यो के बाद दुनिया की सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी दिल्ली की है, वो म्युनिसिपैलिटी अपना मेयर तक नहीं चुन पा रही है, वो लोगों के लिए क्या काम करेगी? देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और भाजपा में खींचातानी है और जनता के मैंडेट के बाद जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दे दिया, तो इस प्रकार से गतिरोध पैदा करना, चाहे वो गवर्नर उपराज्यपाल साहब का रोल हो या वहां जो पीठासीन अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं, उसमें भी आपने अंकित जी देखा होगा प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया है। तो सवाल उठता है कि क्या आप, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी से भी मेरा सवाल है कि क्या आपको अपने पार्षदों पे विश्वास नहीं है? यदि एल्डर मैन को वोट देने का अधिकार दे भी दिया जाए, हालांकि ये संविधान में इसका नियम नहीं है ना ऐसा कुछ रूल बुक में लिखा गया है कि एल्डर मैन को वोटिंग का अधिकार हो जी। तो सवाल ये उठता है अंकित जी, जब एल्डर मैन को वोटिंग का अधिकार नहीं है, तो बीजेपी या बीजेपी किसी भी प्रकार से इस बात को तूल क्यों दे रही है? तो क्या मेरा सवाल ये है भाजपा से, आलोक वत्स आ भी गए, उनसे सवाल है क्या भाजपा संविधान से ऊपर है? और एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, ये बात आलोक वत्स साहब, इस बात का जो सवाल है ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और ये भी बार बार कह रहे हैं कि क्या सारे नियमों को ताक पर रख के, नंबर्स आपके पास है नहीं, उसके बाद भी चुनाव में इस तरह की जो अड़चन बीजेपी पैदा कर रही है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि एल्डरमैन को चुनाव में वोट देने का अधिकार हो, आपने वो भी करने को इस बार कह दिया, मेयर का, डेप्यूटी मेयर का और बाकी सबका जो स्टैंडिंग कमिटीज है उनके चुनाव अलग अलग होते हैं, आपने कहा हम साथ करेंगे, तो क्या सारे नियमों को ताक पर रखकर भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त एमसीडी में कर रही है उससे फायदा किसका है सर? जनता का तो नुकसान ही हो रहा है। देखिए अंकित जी, जो ये सारे मामले हैं, अगर ये सब में सब कुछ ताक पर रख के किया जा रहा था तो इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर को वापस क्यों ले लिया? कोर्ट को फैसला करने देते। आज अगर ये चुनाव में आए थे तो इसी प्रक्रिया से चुनाव होने देते, संख्या बल तो उनके पास है ही, तो क्या दिक्कत थी सर? और ये जो खरीद फरोख्त की अफवाहें उड़ रही है आपके तरफ से, जो आपके लोगों ने बीजेपी के, एक मिनट उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, जो आज आपके लोगों के द्वारा खरीद फरोख्त की बात हुई है वो उसको भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन आलोक जी एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि अगर नियमों को ताक पे रखा तो कोर्ट में चले जाइए, तो ये कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये कोई तर्क संगत बहस है क्या सर? मैंने कोर्ट में चले जाइए नहीं कहा है। नहीं, आपने कहा ना वो कोर्ट में गए थे, क्यों वहां से वापस आ गए? क्या हर चीज का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जाकर होगा? लोगों ने वोट दिया, किसी को मेजोरिटी दे दी, उसके बाद भी इस तरह की जो अड़चने हैं, ये कहना कि हम तो ऐसे ही करेंगे, आपको दिक्कत है तो आप जाके कोर्ट से करवा लीजिए फैसला? नहीं, ये कोर्ट में गए थे ना, तो ये कोर्ट से विड्रॉ क्यों कर लिए? मैं बताता हूं सर, जब इनको ये लग रहा था कि यहां गड़बड़ी है या ताक पर रख के कुछ किया जा रहा है तो ये कोर्ट में रहते, ठीक है, ये नहीं आते आज चुनाव में। डॉक्टर पीयूष जोशी, क्यों वापस ले लिया था कोर्ट में जब आप गए थे? आपकी मेयर उम्मीदवार जो है वो कोर्ट में पेटिशन लेके गई थी, वो आपने वापस ले लिया, अब आप कह रहे हैं हम फिर कोर्ट जाएंगे? त्यागी जी, बहुत सीधी सी बात है, आपने शरद शर्मा जी की इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट में भी देखा, उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से बताया कि क्यों वापस लिया गया। भाई, जो आम आदमी पार्टी ने जो कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि अभी 6 तारीख की तारीख आपकी तय हो गई है, तो हमें सबको चीज को फ्रीज करके और फिर से एनालाइज करना पड़ेगा, तो आप एक ही प्रोसेस जो है वो चलने दीजिए। तो उसके ऊपर कोई लीगल जजमेंट थोड़ी लिया था, उन्होंने एक सजेशन दिया, तो वो माननीय न्यायालय के सजेशन को आम आदमी पार्टी ने माना और याचिका वापस ली। पर उसका मतलब ये थोड़ी कि आप आपकी मनमानी करेंगे भाई साहब, आपकी जिस तरीके से मर्जी आएगी उस तरीके से सदन चलाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता इस देश में, क्योंकि इस देश में जो राज है वो संविधान का राज है, कानून का राज है, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है, भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी शासक पार्टी है, राज करने वाली पार्टी नहीं है। अंतर है दोनों में, जनता मालिक है तो जनता चुनेगी, और जनता ने जो एक न्याय व्यवस्था के अंदर संविधान के माध्यम से जो अपना विश्वास व्यक्त किया है तो उसको हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारा जो राइट है। भाई आप तीनों इलेक्शन एक साथ कराते हैं। देखिए अंकित भाई, हमें ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि वी हैव टू स्टार्ट कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। ठीक है, तो ये बात सीधी सीधी है कि किसके पास बहुमत है, ये बात सीधी सीधी तरीके से बिल्कुल कांच की तरह साफ है। हाँ। कि किस पार्टी का मेयर बनना चाहिए, किसको जनता ने बहुमत दिया। लेकिन जोशी साहब एक बात बताइए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती, और जिस तरीके से अब ये दर्शाया जा रहा है, जिस तरीके से कामकाज को रोकने की कोशिश की जा रही है, एक सवाल ये भी उठता है जो ऋषि मिश्रा भी कह रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी के 134 के 134 उनके साथ हैं, उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अगर मान लीजिए वो नियमों को ताक पे रखकर कुछ करना भी चाहते हैं, नंबर्स उनके पास है नहीं, तो डर किस बात का है? होने दीजिए, आपके तो तीनों चुनाव आप जीत जाएंगे क्योंकि नंबर्स आपके पास है। सर मेरा एक बात आप मानिए, यदि ये मान लीजिए कि आज ये वोटिंग करने से रोकते हैं किसी को, पीठासीन अधिकारी किसी को वोटिंग करने से बाधित कर देता है, जो भी चुना हुआ व्यक्ति है या जो एमएलए है, जिस भी तरीके से यदि इलेक्टेड है, ऑल्डरमैन को यदि नियम विरुद्ध जाके वोटिंग करने के लिए बाध्य करता है, तो इसका हम मुखालिफत भी ना करें साहब? नहीं बिल्कुल कीजिए, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल कीजिए, लेकिन अब यही क्या आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि उनके लोग टूट जाएंगे? बिल्कुल नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं टूटेगा, आम आदमी पार्टी के दृढ़ता के साथ में मानना है। पर फिर अब देखिए, आप ये देखिए, हमें पीठासीन अधिकारी में विश्वास नहीं है, हमें एलजी जो जिस तरीके से प्रॉक्सी बन के बैठे हैं केंद्रीय सरकार के, उसमें विश्वास नहीं है, इसलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाते हैं। मनोज मिश्रा जी, दिल्ली के अंदर सरकार और एलजी के बीच में टकराव, उसके कारण काफी सारे काम फंसे हुए हैं। अब एमसीडी में चुनाव हो गया, जनता ने वोट डाल दिया, जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन लिए, किसी को मेजोरिटी दे दी, उसके बाद भी सदन में मेयर का चुनाव अभी तक नहीं हो पा रहा है, महीने भर से ज्यादा का समय हो चुका है, तो ये दर्शाता क्या है? क्या दिल्ली के अंदर अब सारे मामले, हर चीज इसी तरीके से लड़ाई झगड़े के बीच में कोर्ट तय करेगा? तो फिर कोर्ट ही क्यों ना चला ले दिल्ली की सरकार को? जी आप सही कह रहे हैं अंकित जी, असल में ये डर की राजनीति है। आम आदमी पार्टी इससे डरी हुई है कि उसके पार्षद टूट न जाएं। भाजपा इससे डरी हुई है कि मेयर जैसे चुनाव होगा, तमाम समीकरण के बावजूद, उठा पटक के बावजूद, अगर आम आदमी पार्टी के 20-25 से ज्यादा आप कॉर्पोरेटर नहीं टूटे तो तय है आम आदमी पार्टी का मेयर बनना। मेयर बनते ही उनको ये डर है कि उसके बाद से वो स्टैंडिंग के मेंबर का चुनाव नहीं कराएंगे। जो विषाद बिछाई है भाजपा ने कि मेयर तो बन जाए आम आदमी का, डिप्टी मेयर बन जाए आम आदमी का, लेकिन स्टैंडिंग के जो 6 मेंबर चुने जाने हैं उसमें 3 हमारे चुन जाएं एल्डरमैन के वोट से, तो एक उल्टा हो जाएगा। मेयर होते हुए भी स्टैंडिंग का चेयरमैन भाजपा का बनेगा, सारे पावर स्टैंडिंग कमेटी में होते हैं, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी कब जाने की होड़ है। और ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे लग रहा है कि और खतरनाक स्थिति में दिल्ली बढ़ रही है नगर निगम में, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से चुनाव में जाने की नौबत आ जाए इस लड़ाई झगड़े में, चूंकि मेयर 1.5-2 महीने से नहीं चुना गया और फिर अगले अप्रैल से फिर नया मेयर चुना जाएगा। मनोज मिश्रा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं अपने पॉलिटिकल गेस्ट पे जाने से पहले, कि क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त ये दिल्ली के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए कितनी फ्रस्ट्रेटिंग बात है कि वो चुनाव में अपना वोट दें, अपनी सरकार चुने और उसके बाद जिसको वो चुने उसको काम ना करने दिया जाए, ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टी कुछ भी करके किसी कोई भी हर नियम को ताक पे रख के अपनी बात को मनवाने पड़ी हुई है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहां पर? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये है कि गलती दोनों पक्षों से, जैसे आज तो दूसरी स्थिति बनी जी, आज तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी की ज्यादा ये है कि बीजेपी का ज्यादा डर है, उसको ये लग रहा है कि चुनाव अगर इंडिविजुअली अगर मेयर का ही हो गया तो बाद में वो नहीं होने देंगे स्टैंडिंग के मेंबर का चुनाव। लेकिन इससे पहली बैठक में आम आदमी पार्टी के लोग डरे हुए थे, उनको लग रहा था टूट जाए, इसलिए वो चुनाव ही नहीं होने दे रहे थे। इस सिचुएशन में अगर चुनाव हो भी गया तो मुझे नहीं लग रहा है कि आगे का रास्ता इतना आसान है। आलोक वत्स साहब, कैसे दिल्ली की जनता को ये बात का विश्वास दिलाया जाए कि जो लोगों को वो वोट देके चुन रहे हैं वो उनके लिए काम करेंगे? ना तो बीजेपी अभी इंटरेस्टेड दिखती है कि एमसीडी जो है उसका पूर्णतः गठन हो जाए, ना आम आदमी पार्टी, आप लोगों की लड़ाई में पिस रही है दिल्ली की जनता। देखिए आज भी हम चुनाव के लिए तैयार थे, ये सारा हंगामा तो आप वालों ने किया है, उनके पास संख्या बल है तो उनको किस बात का डर है?
सर, लेकिन शुरुआत तो आज हंगामे की आप बीजेपी की तरफ से हुई है, स्थगन भी बीजेपी ने जब हंगामा करा उसके बाद हुआ है। देखिए हमने आज चुनाव के लिए तैयार थे तो क्यों नहीं चुनाव होने दिए वो? सर बैकडोर सर, लेकिन तस्वीरें बता रही है सर, वो तो शांति से बैठे हुए थे, उन्होंने सिर्फ अपना आपत्ति जताई, बीजेपी वाले खड़े होकर शोर मचाने लगे, ऐसा क्यों किया गया आज? ऐसा है, जब उन्होंने आपत्ति जताई, पीठासीन अधिकारी ने जो कहा कि ये लर्ली वोट दे सकते हैं, तो इस बात पर वो अग्री नहीं थे। के चुनावी इतिहास में आपको याद है कि कभी एल्डरमैन ने वोटिंग किया हो? तो आप नियम कानून को ताक पर रख देते हैं और मैंडेट का अपमान करते हैं, चाहते हैं कि कैसे भी उनकी सरकार बन जाए, चाहे एमसीटी का चुनाव हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे गोवा हो, मध्य प्रदेश हो। ये ऋषि मिश्रा साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि देखिए आपको खुद को याद है क्या कि दिल्ली की एमसीटी में कब ऐसा हुआ था कि एल्डरमैन ने वोट दिया था? मुझे बता दीजिए। अगर नहीं दिया था तो उसको कोर्ट में जाके चैलेंज कर दें। सर ये मुझे आप ये बात समझ नहीं आ रही है, मतलब हमारी मर्जी, मतलब कल आप कहेंगे कि हमारे हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक ताक पे रख के हम जो कुछ करें करें, वो आपको दिक्कत हो तो आप कोर्ट चले जाइए, ये कौन से तर्क है? ये कोर्ट में संविधान, मैं तो आपसे, चलिए वो सब छोड़िए आलोक जी, मैं आपसे, आप चलिए ये बात भी मान ली आपकी कोर्ट में चले जाइए दिक्कत है तो, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल शासन किया है, उससे पहले कब ऐसा हुआ कि एमसीडी के अंदर एल्डरमैन जो है उन्होंने मेयर डेप्यूटी मेयर के चुनाव के अंदर वोटिंग करी हो? अंकित जी तो यार तो ऐसा आलोक वत्स साहब बता रहे हैं, अगर आपके हिसाब से नहीं किया है और वो रूल को फ्लाउंट कर रहे हैं तो उनको कहिए कि जो सही जगह है वहां जाके। एक क्विक क्वेश्चन है अंकित जी, एक बहुत तेज, ठीक है डॉक्टर पीयूष जोशी, आपने सुना आलोक वत्स साहब क्या कह रहे हैं? अब मेरा इससे पहले करा है या नहीं करा है वो तो भूल जाइए, अब की बार हम ऐसा ही करेंगे और आपको दिक्कत है तो चले जाइए कोर्ट, कोर्ट से फैसला करा लीजिए। आलोक जी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं आलोक जी का घर कब्जा कर लूं और कंप्लेंट करूं तो आलोक जी कहे कि जाइए आप थाने चले जाइए, कोर्ट चले जाइए। डॉक्टर पीयूष जोशी, मेरा आलोक जी से एक ही प्रश्न है कि यदि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव होते हैं तो आपको मंजूर होगा कि नहीं होगा? कि आप तभी पीठासीन अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रोसेस के तहत बनाता है तो आपको मंजूर होगा कि आप उसके खिलाफ फिर से वापस से याचिका लगाएंगे न्यायालय के अंदर पुनरीक्षण की? बिल्कुल मंजूर होगा, हमने सदैव कोर्ट का आदर किया है, हर चीज पर कोर्ट का आदर किया है। तो बस ठीक है, ये बात ये बात पीठासीन अधिकारी को और एलजी साहब को भी बोल दीजिए कि भाई हम मान लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव हो जाने दीजिए, क्या समस्या है फिर? और उसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट को भी तो इसमें आना पड़ेगा ना सर, अभी तो आपने पेटिशन लगाने की बात कही है, पेटिशन लगाएंगे तब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना है या नहीं आना है। चलिए दोनों लोग मान जाते हैं, यदि एलजी भी मान जाते हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली के माने हुए हैं और वो जाके सुप्रीम कोर्ट से अपील कर देते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दें जो चुनाव करवा देगा, मान जाएंगे? चलिए लेकिन ये जो सब बातें कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करा लीजिए, उसमें करा लीजिए, मनोज मिश्रा जी कहीं ना कहीं मैं फिर से घूम फिर के उसी बात पे आ रहा हूं, टोक्यो के बाद सबसे बड़ी म्यूनिसिपैलिटी और हाल देखिए कि वो ये तय नहीं कर पा रही है कि उसका मेयर कौन होगा, उसका डेप्यूटी मेयर कौन होगा, उसकी स्टैंडिंग कमेटी में कौन होगा, और बातें हो रही है बाहर से किसी को बुला लीजिए, तो फिर ये जनता के साथ वोट लेना वोट देने का जो खेल है ये क्यों किया जाता है? जनता क्यों ना महसूस करे कि उसे ठग लिया जाता है चुनाव के बाद भी? बिल्कुल अंकित जी आप सही कह रहे हैं, इसमें कोर्ट क्यों आना चाहिए जब एक व्यवस्था बनी हुई है बरसों से यहां कि जो चुने हुए निगम के पार्षद हैं, विधायक और यहाँ के स्थानीय सांसद, वो मेयर चुनाव में वोट करते हैं। चलिए पिछली बार कोई 2016 में हाईकोर्ट गया और वहां जोनल कमेटियों में वोट करने का अधिकार स्टैंडिंग के लिए मिल गया, वो भी मैं मान लेता हूं, लेकिन हमें कोर्ट में क्यों इंटरव्यू करना चाहिए? अब ये जो लड़की राजनीति है, इतना बड़ा गैप होने के बाद आम आदमी पार्टी की सीटें और बीजेपी की सीट में 30 का फर्क है, वो पट ही नहीं सकता, फिर भी ये ढड़की राजनीति में आम आदमी पार्टी और भाजपा मिलके इस दिल्ली का कबाड़ा करने पर तुले हुए हैं। भाई जब कोई काम ही नहीं होगा, मान लीजिए जैसे एनडीएमसी दिल्ली की है, वो चुनी हुई नहीं है, सबसे ज्यादा कष्ट, और हम सब लोग भी पत्रकार के नाते लिखते हुए रहे हैं कि भाई उसको भी चुनी हुई लोगों का होना चाहिए। जो चुनी हुई एक संस्था है जो सबसे पुरानी है, दिल्ली में सबसे पहले नगर निगम ही बना था, उस संस्था का ये हाल अगर होगा
तो आने वाले समय में कोर्ट क्यों इंटरवीन करे, ये तो समय से परे है। और फिर ये बात कि जब जैसे नियम कानून बने, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, कल फिर ये बात होने लगी कि इलेक्शन कमीशन चुनाव क्यों करा रहा है, देश का चुनाव सुप्रीम कोर्ट तय करे देश का चुनाव कराने के लिए। हर चीज को अगर कोर्ट के अंदर ले जाना होगा तो फिर ये चुने हुए जो डेमोक्रेसी की बात है, जो जिस तरीके से चुनाव में लोग वोट देके अपना प्रतिनिधि तय करते हैं, उसकी जरूरत ही क्या है अगर आपको कोर्ट से ही सब कुछ तय कराना है। तो ये कहीं ना कहीं गले उतर नहीं रही कि हमने कुछ भी कर लिया और उसके बाद आप चले जाइए कोर्ट। ऋषि मिश्रा, लेकिन इस खींचतान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो खींचतान है, चाहे वो एमसीडी में दिखाई पड़ रही हो, सरकार में भी दिखाई पड़ती है, एलजी और मुख्यमंत्री जी के बीच में जिस तरह की लड़ाई चलती है, कहीं ना कहीं क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो संख्या बल है ना इतने लोग हैं कि वो किसी भी तरीके से इस पर कोई इन्फ्लुएंस डाल सके, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई राजनीतिक कम से कम अपने लिए भविष्य दिखाई पड़ता है? क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी कुछ ऐसा कर सकती है कि जनता को लुभा के बता सके कि देखिए इन दोनों पर आपने विश्वास करके देखा और दोनों किस तरह से आपसे काम कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की विफलता दिखाई पड़ती है लोगों को विश्वास दिलाने में। देखिए अंकित जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहेगी कि जो चुनाव जो जनता ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया है, जनता ने जिस पार्टी को काम करने की जनादेश दिया है, उसको कहीं कहीं काम करने का मौका मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस गतिरोध से दिल्ली की जो आम जनता है और दिल्ली की आम जनता को जो सुविधाएं फायदे मिलने चाहिए एमसीडी से, उसका कहीं ना कहीं नुकसान ये दो पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता को भी ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी आपकी सेवा कर सकती है। और आप इतिहास में देखेंगे तो एक बात मैं जरूर मानता हूं कि कांग्रेस खासकर शीला दीक्षित के टाइम में दिल्ली के जो डेवलपमेंट के जो आयाम है उसमें कहीं ना कहीं बेहतरीन काम हुआ है। और आलोक जी तो बहुत सीनियर नेता है, ये बचकानी बातें एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर कहते हैं, ये ऐसे ही बातें कह रहे हैं आलोक जी, जैसे आलोक जी का मैं मकान कब्जा कर लूं और आलोक जी का ये कहे कि आप थाने चले जाइए, आप कोर्ट चले जाइए। अरे भैया, यदि आपके गवर्नर हैं, आपके जो डिप्टी गवर्नर हैं वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, आप चुनी हुई सरकार को शपथ नहीं लेने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप बता रहे हैं कि संविधान में आपका विश्वास नहीं है। आलोक जी, संविधानिक जो हमारे जो संविधान में हमारे एनसीडी के जो नियम कानून है उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उसको ताक पे रख के बीजेपी को क्या हासिल हो रहा है सर? अगर संविधान में हमारा विश्वास नहीं होता तो आपके इतने पार्षद नहीं जीतते, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। आप क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप पार्टी का मतलब क्या ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कुछ इस तरह की ताकत है कि अगर वो चाहे तो चुनाव को अपने हिसाब से मोड़ सकती है? किरकिरी करवा रहे हैं, भाग रहे हैं, संख्या बल उनके पास है तो क्यों नहीं चुनाव में जा रहे हैं? सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ आलोक जी, मैं विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि अगर हम संविधान में विश्वास ना करते तो सरकार नहीं बन पाती हिमाचल में और चुनाव ना होते, इतने लोग नहीं आते, तो इसका क्या मतलब है? दर्शक क्या समझे, क्या ये समझे कि बीजेपी के पास कोई ऐसी ताकत है कि वो तय कर सकते हैं कि किसकी सरकार कहां बनेगी? क्योंकि हमने तो ये सुना था कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है और वो इलेक्शन कमीशन कराता है। ऐसा कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं, हम संविधान में आपने ही बोला। मैंने क्या बोला? आपने बोला आप संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, आप दाएं बाएं करते हैं, इस पर मैंने जवाब दिया। संविधान में विश्वास करते आपने अपनी बात कही, आलोक जी ने अपनी बात कही, सुन लीजिए उनकी बात को, उनकी बात पर जो भी आपको उसके लिए मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन डॉक्टर पीयूष जोशी, कैसे एमसीडी में दिल्ली की जनता को जो कही गई थी बातें कि भैया कूड़ा साफ कर देंगे, दिल्ली को बिल्कुल सिंगापुर बना देंगे, दिल्ली में बहुत सफाई हो जाएगी, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी बढ़िया है, उनको बहाना मिला हुआ है, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होंगे तो वो जनता को कह पाएगी कि देखिए हम तो काम कर ही नहीं पा रहे क्योंकि हमें करने नहीं दे रहे। देखिए अल्टीमेटली ये इंडेफिनेट तो नहीं चलेगा, ये तो आप जानते हैं, और यदि आपने जो आपने प्रॉमिसेस नहीं किए हैं तो आप जनता के बीच में किस क्या मुंह लेके जाएगी भाई, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। यदि आपने बोला है कि हम कूड़े का जो पहाड़ है उनको हटा देंगे और कूड़े के पहाड़ नहीं हटा पाए आप 5 साल के शासन के बाद में, तो जनता के पास में आप क्या लेके जाएंगे? क्योंकि केजरीवाल जी आप देख चुके हैं भाई, वो बोलते हैं मैंने काम किया हो तो वोट देना, काम नहीं किया हो तो वोट मत देना।
रही बात की भाई जनता को समझना चाहिए ये बात की गई, तो जनता तो चुन के भेज चुकी है ना आम आदमी पार्टी को। जनता तो चाहती कि आम आदमी पार्टी एमसीडी बनाए, एमसीडी चलाए और कूड़े से और गंदगी से उनको मुक्ति दिलाए। पर मेरा ये कहना है कि भाई जो एलजी है, जो एक सब देखिए सारे प्रॉब्लम की जो जड़ है वो जो दिल्ली का क्वासी स्टेटहुड है, और एलजी को जो 2021 का जो एक्ट अमेंड करने के बाद में जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी जाए, उसकी वजह से वो ये सारी मनमानी करने के लिए एक वो एक 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 प्रीटेक्स्ट ढूंढ रहा है। सर लेकिन उस पर भी आप सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, दिक्कत ये है कि दिल्ली की जो हालत है वो सिर्फ हर केस हर मोड़ पर हर कदम पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ कोर्ट की तरफ का रुख किया जा रहा है, गतिरोध सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये सिर्फ दिल्ली की राजनीति है या दिल्ली को दिल्ली के कंधे पर बंदूक रखकर कहीं 2024 की मंशा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये जनता को समझना होगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एमसीडी में जो इस वक्त हो रहा है उसके लिए कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को और जिम्मेदारी से काम करना होगा, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को इस बात को मानना होगा कि दिल्ली की जनता ने फिलहाल कम से कम इस बार की एमसीडी में उनको नहीं चुना है। तो अड़ंगे डालने बंद करें और एमसीडी जो दिल्ली की है उसको अपना काम करने दें, उसके चुनाव होने दें, तभी वो दिल्ली की जनता के लिए काम कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।